हेलो एंड नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं ग्रैंड आई10 और टाटा टियागो की। तो टाटा टियागो जो कि काफी हॉट सेलिंग कार बन चुकी है टाटा के लिए, और रिसेंटली अभी खबर आई थी कि टाटा टियागो का जो टॉप एंड वेरिएंट है उस पे 4 वीक का वेटिंग पीरियड हो चुका है। वहीं पे ग्रैंड आई10 भी काफी अच्छी कार है और काफी बिकती है। तो आज हम इन दोनों हैचबैक कारों का कंपैरिजन करेंगे और पता करेंगे कि कौन सी कार ज्यादा वैल्यू फॉर मनी होगी आपके लिए हमारे लिए। तो मैं हूं आपका दोस्त सुनील और आप देख रहे हैं इज माई कार सर्च। तो चलिए देखते हैं ग्रैंड आई10 और टाटा टियागो का कंपैरिजन। तो अगर हम बात करें एक्सटीरियर की, तो बाहर से देखने में दोनों ही कारें काफी खूबसूरत दिखती हैं, काफी स्पोर्टी भी दिखती हैं और काफी प्रीमियम भी दिखती हैं। जहां पे हुंडई ग्रैंड आई10 बनी है हुंडई के फ्लूइड डिजाइन पे, वहीं पे टाटा टियागो बनी है टाटा के इम्पैक्ट डिजाइन पे, जिसपे अभी रिसेंटली टाटा टिगोर भी आई है। तो दोनों ही गाड़ियां काफी स्पोर्टी प्रीमियम दिखती हैं, काफी अच्छी दिखती हैं। तो एक्सटीरियर मैं आप पे छोड़ता हूं, क्योंकि एक्सटीरियर या लुक हमेशा एक सब्जेक्टिव मैटर होता है। वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि कौन सी कार किसको ज्यादा अच्छी लगती है। अब हम बात करते हैं इंजन की। तो इंजन की अगर बात करें तो ग्रैंड आई10 का जो इंजन है पेट्रोल इंजन, वो आता है 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन, जो आपको देता है 83 bhp का पावर। और इसको सिटी राइड के लिए काफी ट्यून किया गया है, ताकि आप सिटी में काफी कंफर्टेबली इसे राइड कर सकें। ये आपको सिटी में देता है 11 से 12 किलोमीटर का माइलेज, वहीं पे ये हाईवे पे आपको दे देगा 14 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज आसानी से। अगर हम बात करें ग्रैंड आई10 के डीजल इंजन के बारे में, तो ये आता है 1.1 लीटर के डीजल इंजन के साथ, जो देता है आपको 75 bhp का पावर। और ये काफी साइलेंट डीजल इंजन है, लेकिन इसके साथ भी एक प्रॉब्लम है कि ये आपको स्पीड जब आप कार की बढ़ाते हैं तो काफी सारा वाइब्रेशन आपको महसूस कराता है। साइलेंट है बट वाइब्रेशन आपको जरूर महसूस कराता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, टेस्ट राइड लेते समय आप इस बात को जरूर देख लें जब भी आप ग्रैंड आई10 का टेस्ट राइड लें। अगर हम बात करें इसके माइलेज की, तो ये देता है आपको सिटी में 14 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज, और हाईवे पे आपको 18 के आसपास का माइलेज ये दे देगा, या 19 के आसपास भी जा सकता है। अब हम बात करते हैं टाटा टियागो के पेट्रोल इंजन के बारे में। तो ये आता है 1.2 लीटर के पेट्रोल इंजन के साथ, और जो देता है आपको 84 bhp का पावर, जो कि ग्रैंड आई10 के पेट्रोल इंजन के पावर के लगभग लगभग बराबर ही है। लेकिन टाटा टियागो के पेट्रोल इंजन के साथ एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है, और वो है कि इसका पेट्रोल इंजन थोड़ा सा आपको नॉइजी फील कराता है इनसाइड द केबिन। तो अब जब आप ड्राइव करेंगे कार को, तो आपको थोड़ा सा नॉइज इंजन का केबिन के अंदर महसूस होगा, ज्यादा तो नहीं होता है लेकिन थोड़ा महसूस होगा। तो जब भी आप टाटा टियागो का टेस्ट राइड ले, तो ये बात जरूर आप देख लें कि आपको इंजन का नॉइज आ रहा है या नहीं आ रहा है, और उस इंजन नॉइज के साथ आप गाड़ी को चला सकते हैं ज्यादा समय तक कि नहीं। तो ये बात जरूर आप नोटिस कीजिए जब भी आप टेस्ट राइड लें टाटा टियागो का। और अगर हम बात करें इसके माइलेज की, तो ये आपको देता है लगभग 11 से 13 किलोमीटर या 14 के आसपास भी आपको दे देगा सिटी में माइलेज, और ये आपको देगा 14 से लेकर 18 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज हाईवे पे। तो फ्यूल इफिशियंसी के मामले में दोनों ही कारें लगभग सेम है, लेकिन टाटा टियागो थोड़ी ज्यादा फ्यूल इफिशियंट कार है। अगर हम बात करें टियागो के डीजल इंजन की, तो ये आता है 1.1 लीटर के रेवोटॉक डीजल इंजन के साथ, जो आपको देता है 69 bhp का पावर, जो ग्रैंड आई10 के डीजल इंजन जो देता है आपको 75 bhp का पावर, उससे थोड़ा कम है, थोड़ा कम पावरफुल है। लेकिन ये टियागो के पेट्रोल इंजन से काफी ज्यादा रिफाइंड डीजल इंजन है, काफी अच्छा है। इसमें थोड़ा सा नॉइज जो मैंने बताया आपको पेट्रोल में आता है, वो थोड़ा कम आता है डीजल टियागो में। अगर हम बात करें इसके फ्यूल इकोनॉमी की, तो ये आपको देता है 12 से 14 या 15 के आसपास सिटी में, या 16 भी दे सकता है आपको, डिपेंड करता है कि आप कैसे राइड करते हैं। और ये आपको 18 से 19 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दे देगा हाईवे पे। तो ये तो रही एक्सटीरियर और इंजन की बात, जहां पे दोनों ही गाड़ियां लगभग लगभग सेम बैठती हैं।
अगर हम बात करें इंटीरियर्स की तो इंटीरियर्स में भी दोनों ही गाड़ियां काफी अच्छी बनाई गई हैं, काफी अच्छा प्लास्टिक क्वालिटी यूज किया गया है। यहाँ पे ग्रैंड आई10 बहुत ही ज्यादा प्रीमियम लुक देता है। इनसाइड प्लास्टिक या जो भी डैशबोर्ड का लेआउट वगैरह देख लें, काफी अच्छा अच्छे तरीके से बनाया गया है, काफी अच्छी प्लास्टिक यूज की गई है और इनसाइड केबिन आपको बहुत ज्यादा स्पेस मिलता है, बहुत सारे स्टोरेज स्पेसेस मिलते हैं, क्योंकि ग्रैंड आई10 का जो व्हील बेस है वो भी टाटा टियागो से 25 mm ज्यादा है और इसकी लेंथ भी थोड़ी ज्यादा है टाटा टियागो के मामले में, तो थोड़ा स्पेसियस आपको महसूस कराता है ग्रैंड आई10 नी रूम और लेग रूम के मामले में भी, बट बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, लगभग लगभग सेम ही है। अगर हम बात करें टाटा टियागो की तो टाटा टियागो का इंटीरियर भी काफी अच्छा है, उसमें भी आपको काफी अच्छा स्पेस मिलता है, काफी सारे स्टोरेज स्पेसेस मिलते हैं, दोनों में ही आपको कूल्ड ग्लोव बॉक्स का ऑप्शन मिलता है। टाटा टियागो का इंटीरियर की जो यूएसपी है वो है इसका 8 स्पीकर हारमन का म्यूजिक सिस्टम, जो इस कैटेगरी इस सेगमेंट या इससे ऊपर की सेगमेंट की गाड़ियों से भी काफी अच्छा है, इसके म्यूजिक सिस्टम का कोई मुकाबला नहीं है। वहीं पे ग्रैंड आई10 में आपको मिलता है 5 इंच और 7 इंच के टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम का ऑप्शन, जिसमें आप एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले जैसे ऐप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ग्रैंड आई10 के पास ज्यादा फीचर्स हैं, क्योंकि ग्रैंड आई10 में आपको मिलता है पुश स्टार्ट स्टॉप बटन भी, जो टाटा टियागो में आपको नहीं मिलता है, लेकिन टाटा टियागो में आपको मिलता है ड्राइविंग मोड, सिटी या इको मोड में आप ड्राइव कर सकते हैं फ्यूल इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए। तो दोनों ही गाड़ियां इंटीरियर के मामले में भी काफी अच्छी हैं, जहां पे ग्रैंड आई10 में कुछ ज्यादा फीचर्स मिलते हैं, इसमें आपको रियर एसी वेंट्स का ऑप्शन भी मिलता है ग्रैंड आई10 में, लेकिन टाटा टियागो में आपको रियर एसी वेंट्स भी नहीं मिलते हैं। तो ग्रैंड आई10 के पास ज्यादा ऑप्शंस हैं, ज्यादा फीचर्स हैं, लेकिन टियागो के पास इसेंशियल फीचर जो भी आपको एक अच्छी कार में चाहिए होती वो सारे मिलेंगे। अगर हम बात करें सेफ्टी की तो सेफ्टी के मामले में दोनों ही गाड़ियां लगभग लगभग सेम है, क्योंकि दोनों ही गाड़ियों के टॉप एंड वेरिएंट पे आपको एबीएस, ईबीडी और डुअल एयरबैग का ऑप्शन मिल जाता है। तो आप इन दोनों गाड़ियों को जब भी खरीदें सिर्फ वही वेरिएंट खरीदें जिसमें आपको सारे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं, एटलीस्ट एबीएस और एयरबैग तो होने ही चाहिए। अगर हम बात करें प्राइस के मामले में तो प्राइस के मामले में टाटा टियागो आगे निकल जाती है ग्रैंड आई10 से, क्योंकि टाटा टियागो आपको ग्रैंड आई10 से लगभग 60,000 से लेकर 1.5 लाख तक सस्ती पड़ेगी हर एक वेरिएंट में, हर एक इवन टॉप एंड वेरिएंट में, इवन ऑटोमेटिक में भी। तो दोनों ही गाड़ियां डीजल पेट्रोल और ऑटोमेटिक में, पेट्रोल ऑटोमेटिक में अवेलेबल है। यहाँ पे ग्रैंड आई10 का जो टॉप एंड वेरिएंट पेट्रोल है वो शुरू होता है 6,41,000 से, और इसका ऑटोमेटिक में दो वेरिएंट आते हैं, एक है मैग्ना ऑटोमेटिक और एक है स्पोर्ट्स ऑटोमेटिक। तो मैग्ना ऑटोमेटिक की प्राइसिंग स्टार्ट होती है पेट्रोल में 6 लाख से, और जो स्पोर्ट्स ऑटोमेटिक है ग्रैंड आई10 का पेट्रोल में वो शुरू होता है 6,84,000 से। वहीं पे ग्रैंड आई10 का डीजल का टॉप एंड वेरिएंट आपको पड़ेगा 7,34,000 एक शोरूम दिल्ली। अगर हम बात करें टाटा टियागो के प्राइसिंग की तो टाटा टियागो का टॉप एंड वेरिएंट आपको पड़ेगा 5,04,000 एक शोरूम दिल्ली। वहीं पे इसका टॉप एंड पेट्रोल ऑटोमेटिक आपको पड़ेगा 5,39,000 एक शोरूम दिल्ली। अगर हम बात करें डीजल टियागो की तो वो आपको पड़ेगा 5,84,000 के आसपास एक शोरूम दिल्ली में। तो अगर हम बात करें प्राइसिंग की तो ओवरऑल प्राइसिंग को अगर देखा जाए तो दोनों ही कारों में 60,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक का अंतर पड़ता है, मैनुअल ले लें या ऑटोमेटिक ले लें या डीजल ले लें। तो अगर आपको बहुत ही ज्यादा फीचर वाली कार चाहिए जिसमें बहुत ज्यादा फीचर्स हो तो आप ग्रैंड आई10 की तरफ जा सकते हैं, अगर आप उतनी प्राइसिंग को अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक कम बजट की, आपका बजट टाइट है और आपको सारे फीचर्स चाहिए जो भी हमें एक अच्छी कार में देखने को मिलता है या चाहिए होता है, अच्छा म्यूजिक सिस्टम, अच्छा इंटीरियर, तो आप टाटा टियागो की तरफ निश्चित तौर पर जा सकते हैं, क्योंकि इसकी प्राइसिंग ग्रैंड आई10 से काफी कम है। तो अगर आपको पैसे बचाने हैं तो टियागो की तरफ जा सकते हैं जिसमें आपको लगभग लगभग सारे फीचर्स मिल ही जाते हैं। तो ये तो रही मेरी राय टाटा टियागो और ग्रैंड आई10 के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अगर अच्छा ना लगा हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको कोई सुझाव देना हो
कुछ पूछना हो किसी और कार के बारे में, या टियागो या ग्रैंड आइटन या किसी भी कार के बारे में, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मैं ऐसे ही कार टेक्नोलॉजी, कार रिव्यूज, कार न्यूज और कार कंपैरिजंस के वीडियो लेके आते रहता हूँ इस चैनल इज माई कार सर्च पे। तो ये तो रही आज की वीडियो की बात, मैं आपको मिलूंगा ऐसे ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।